पंचकुला पहुंचे हरियाणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला मनसा कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 में उद्योग भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योग भवन को हरियाणा के उद्योगों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाती है, उसी तरह से पंचकुला के अंदर हरियाणा के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तैयार की जाएंगी। उद्योग भवन में विभाग के आला अधिकारी बैठकर न केवल समस्या को निपटाने का काम करेंगे बल्कि इंडस्ट्री को मोटिवेट भी करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्योग भवन में अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। केंद्र सरकार की ओर से भी लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 नई परियोजनाएं की शुरुआत की गई। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 4 अलग अलग पॉलिसी तैयार की गई है। दुनिया भर के अंदर इंडस्ट्री को मोटिवेट करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा करी जाती है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा वन स्टॉप सेंटर पंचकुला के अंदर बनाया जाएगा, जहां तमाम आला अधिकारी विभाग के बैठकर इंडस्ट्री को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, उसकी समस्याओं को निपटाया जाए, उनको वन स्टॉप सेंटर के अंदर निपटाने का काम करेंगे। 66,000 स्क्वायर फुट का उद्योग भवन अपने आप में एक हिस्टोरिकल कदम है, जो बड़ी इंडस्ट्री को, नई इंडस्ट्री को, या हम जो कहते हैं फ्रेश ऑफ द बोट, नए आइडिया के साथ कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे उसको मदद करने का भी काम करेगा, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के समस्याओं को निपटाने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाने का काम करेगा। लघु उद्योग की बात करें, एमएसएमई की क्या करने जा रही है सरकार? देखिए, एमएसएमई इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 4 अलग अलग पॉलिसी पहले भी चली, और हमारा ये प्रयास है केंद्र बजट के अंदर भी एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग नई 2 परियोजनाओं की जो शुरुआत करी है, अपने आप में वो एक ऐसा बूस्ट देने का काम करेगी। खास तौर पर जो एग्री फार्मिंग है उसके अंदर इंडस्ट्री की ज़रूरत बहुत है, और मैं ये मानता हूँ कि जो सब्जियों को पैकेजिंग के माध्यम से, फ्रूट्स को पैकेजिंग के माध्यम से आगे ले जाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर एक नया कदम होगा जो फार्मर भी इंडस्ट्री। भारत 9 से ब्यूरो रिपोर्ट।